दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिप्नोटिक मूवी की। कहानी में दिखाया गया है कैसे एक माता पिता अपनी बेटी को यूएस की हिप्नोटिक एजेंसी से बचाकर उसे एक आम जिंदगी देते हैं। रॉर्क, रॉर्क, डॉक्टर कहती है, मुझे सुन रहे हो? वो पार्क, तुम वहीं खो गए थे ना? मुझे बताओ, तुमने उस दिन क्या देखा? रॉर्क बोलता है, मेरी बेटी मिनी जो की पार्क में खेल रही थी। डॉक्टर पूछती है, उसे कब देखा तुमने? रॉर्क बताता है, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपनी बेटी को देखकर खुश था, बस एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान हटा और दूसरे पल वो वहां से गायब थी। मैसेज आता है, रॉर्क काम के लिए निकल जाता है। रॉर्क कार में बैठता है, उसका साथी उसे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। औरत कहती है, मुझे एक चोरी की रिपोर्ट लिखानी है, वारदात आज होगी ऑस्टिन के बैंक में, वहां एक फिक्स डिपॉजिट है। रॉर्क बैंक के बाहर वैन से नजर रख रहा है, अचानक उसकी नजर बेंच पर बैठे डेलरिन पर पड़ती है। तभी एक औरत आकर उसके पास बैठती है। आदमी उससे लाइटर मांगता है और उसको हिप्नोटाइज करके बोलता है, आज गर्मी बहुत है। रॉर्क कहता है, उस पर नजर रखो। आदमी उठकर बैंक की तरफ पड़ता है, गार्ड से बोलता है, आज धूप निकली है। रॉर्क भी वैन से बाहर निकलकर उनके पीछे जाता है। औरत, आज गर्मी बहुत है। उधर औरत अपने कपड़े उतारते हुए कह रही होती है, बहुत गर्मी है, गर्म भट्टी की तरह। आदमी सेफ रूम में रॉर्क को ले जाता है। बाहर डेलरिन रिसेप्शनिस्ट को हिप्नोटाइज करके बोलता है, अभी दोपहर हुई है। वो विंडो क्लोज का बोर्ड लगा देती है। रॉर्क बॉक्स खोलता है, अंदर मिनी की फोटो होती है। उधर गार्ड्स बैंक में घुसकर हवा में गोली चलाते हैं। रॉर्क अंदर पोजीशन लेता है, सामने से औरत आती है। रॉर्क रुकने को कहता है, तभी गार्ड्स रॉर्क पर गोली चला देते हैं। औरत बॉक्स लेकर बाहर ट्रक में चढ़ जाती है। वो ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ती है और ट्रक को ठोक देती है। आदमी भागता है, रॉर्क उसके पीछे जाता है। रॉर्क रुकने को कहता है, आदमी पलट कर देखता है, फिर भागता है। छत पर रॉर्क उसको रोकता है, पुलिस वालों से उसे हथकड़ी लगाने को कहता है। वो पास जाते हैं। डेलरिन उनसे कहता है, आपको गलतफहमी हुई है। गार्ड रॉर्क को बोलते हैं, हमें गलतफहमी हुई है। डेलरिन कहता है, इनको दोष मत दीजिए डिटेक्टिव, इनको तो इतना भी होश नहीं जितना लॉयल टेली को था। यही उसका नाम था ना जिसने तुम्हारी रानी छीनी थी? रॉर्क पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? आदमी बॉक्स देखता है और बोलता है, इसे मुझे दे दो। रॉर्क पूछता है, वो कहाँ है? रॉर्क का पार्टनर आ जाता है, मसला सुलझा लो डिटेक्टिव्स। रॉर्क निक्स से बोलता है, आखिर उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? निक्स बताता है, बैंक का पूरा स्टाफ कह रहा है उन्हें कुछ याद नहीं। ये मेरी बेटी की फोटो थी उसके डिपॉजिट बॉक्स में। पार्टनर कहता है, ये खबर न्यूज में आ चुकी है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। रॉर्क कहता है, वो जानता है कि मेरी बेटी कहाँ है। निक्स पूछता है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? निक्स बताता है, जिस औरत ने हमें कॉल किया था हमने उसे ट्रेस कर लिया है, कैपल पर एक शॉप है। रॉर्क वहां पहुंचता है, इधर उधर देखने लगता है। औरत आदमी से बात कर रही होती है, तभी उसकी नजर रॉर्क पर पड़ती है। रॉर्क अंदर घुसकर बोलता है, ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी है। आदमी बीच में आता है। डायना बोलती है, तुम बाहर बैठो, मैं संभाल लूंगी। रॉर्क डायना से पूछता है, मुझे ये जानना है कि तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की कौन आर्टिस्ट डेलरिन के साथ कैसे इन्वॉल्व हो गई? बैंक रॉबरी की खबर तुम्हें दी थी ना? डायना पूछती है, वहां कोई पकड़ा गया? रॉर्क बताता है, वो भाग गया। डायना बोलती है, तब तो तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए, निकलो यहां से अभी के अभी। रॉर्क पूछता है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? डायना कहती है, तुम कुछ नहीं जानते। रॉर्क कहता है, मैंने उसे देखा है। डायना बोलती है, ये हमें मारने के लिए आया था। आदमी बोलता है, वो कभी भी नहीं रुकेगा। डायना पूछती है, क्या तुम मुझे अरेस्ट करके यहाँ रखोगे? रॉर्क मना करता है, वो कहता है, यह सच तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। वो बैंक वाला आदमी, उसने औरत से 4 शब्द कहे और उसने अपने कपड़े उतार दिए। वो इशारा था, साउंड, वॉइस, घूरने वाली आंखें, हिप्नोटिक इसका इस्तेमाल करके तुम्हें ऐसी चीज दिखाते हैं जो रियलिटी में नहीं है। न्यूज में दोनों के बारे में बता रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाला वहां आकर ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। उसकी नजर रॉर्क के हाथ पर पड़ती है। डायना उसको बोलती है कि रेडियो में मैसेज दो कि दो संदिग्धों को नॉर्थ की तरफ जाते देखा है। दोनों बाहर निकल रहे होते हैं कि रेडियो से आवाज आती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया डायना। रॉर्क डायना को निकलने का रास्ता ढूंढने को कहता है और उनको अपने पीछे ले जाता है। रॉर्क उनसे छुप रहा होता है, तभी उसकी नजर सामने पड़ती है।
डायना रॉर को रिवो के पास लेकर जाती है। उसे बताती है रिवो ने ही उन लोगों का नेटवर्क बनाया है और वो ही उनका डाटाबेस हैक कर सकता है। यहाँ से भागने में भी उसी ने मेरी मदद की थी। रिवो रॉर का डाटाबेस हैक करके उसकी जॉब्स के बारे में बताते हुए पूछता है, लेकिन ये तुम्हारी बीवी का नाम नहीं बता रहा है। रॉर्क नाम बताता है। रिवो उसका डाटा खोलता है, बताता है डिवीजन एजेंट है। रॉर्क को पुरानी बातें सपने में दिख रही होती हैं। रॉर्क की आंखें खुलती हैं, वो डायना की इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखता है। डायना उसकी बीवी ही होती है। वो डोमिनो को सर्च करता है, उसकी बेटी का डाटा खोलता है। रॉर्क डायना से पूछता है तुम उसे कहाँ ले गई थी। डायना बोलती है उसे मैं नहीं तुम ले गए थे। डायना बोलती है डिवीजन उसे ले जाना चाहता था ताकि वो उसे ट्रेन कर सके और दुनिया की सबसे पावरफुल हिप्नोटिक्स बना सके। अभी हम लोग कहाँ हैं? डायना बोलती है तुम अभी तक नहीं देख पाए, ध्यान से देखो। तुम बहुत समय से मेरे रास्ते की रुकावट हो। 6 हफ्ते पहले डिवीजन हेडक्वार्टर पर यह दिया गया था। ये क्लू है या कोई ताना? डेलरीन बोलता है यह हमेशा यही खत्म होता है। हम तुम्हारे दिमाग पर हावी नहीं हो सकते। हम इस तरह से 12 बार तुम्हारा पीछा कर चुके हैं। उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। ठीक है, 13वीं बार के लिए तैयार हो जाओ। मैं कभी नहीं बताऊंगा वो कहाँ है। रॉर्क की आंखें खुलती है। कहानी के शुरू का सीन दोबारा शुरू होता है। रीडिंग्स नॉर्मल है। रॉर्क कार के पास पहुंचता है। गाड़ी में बैठकर दोनों निकलते हैं। पूरा सीन दोबारा चल रहा होता है। बेंच पर बैठा आदमी जाना पहचाना लग रहा है। निक्स स्क्रीन पर देखता है रॉर्क कहाँ है। डायना रिवो को रॉर्क को ढूंढने को बोलती है। क्या वो किसी को दिख रहा है? रॉर्क वैन में घुसता है। डायना सबको अलर्ट होने को बोलती है। रॉर्क वैन को साइड से निकाल कर ले जाता है। डायना हेलीकॉप्टर कॉल करती है। रॉर्क बोलता है वो आते ही होंगे। रिवो बताता है डियर वैली लेन कैथल रेंज पे खत्म होती है, जिनके मालिक कार्ल और थेल्मा है। डायना बोलती है इसने इतने सालों से मिनी को वहां छुपा के रखा है। इसमें लिखा है उन्होंने 40 साल पहले एक बच्चा गोद लिया था, वो रॉर्क है। मिली बोलती है हाय डैडी। बाहर वो लोग चारों तरफ से पहुंचते हैं। कार्ल और थेल्मा बोलते हैं ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। डेलरिन मारने का हुक्म देता है। रॉर्क कहता है सब ठीक है, मिली बाहर आ जाओ। मिली बोलती है मुझे आप पर गर्व है मम्मी। डायना पूछती है किस बात का गर्व? मिली बोलती है यहाँ तक आने के लिए, अब हम आजाद हो जाएंगे इन लोगों से हमेशा के लिए। डेलरिन बोलता है नहीं, ये कब हुआ? ये सच नहीं है, हम यहाँ नहीं है, ये कंस्ट्रक्ट है, ये इसने किया है। मिली बोलती है मैं अब आपको वापस लाऊंगी, आंखें बंद कर लीजिए। रॉर्क कहता है हम दोनों ने हमेशा चाहा था कि ये हमारी तरह ना हो, एक नॉर्मल इंसान हो। जब उन्हें पता चला कि मिनी की पावर दुनिया बदल सकती है, दुनिया से अपनी मनमानी करवाने में, और इसलिए वो मिनी को अपना हथियार बनाना चाहते थे। लेकिन हम जानते थे कि हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते थे। हमारे पास एक ही तरीका था, हम सबको साथ लाएं और डिवीजन को खत्म कर दें। लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर सकते थे, ये तब तैयार नहीं थी, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ा। और हमने पूरा सेटअप बनाया, हमने अपनी मेमोरीज मिटानी थी, हमने खुद को रिसेट किया। हमें पता था हम एक दूसरे से बंधे हैं, हम आजाद हैं, अब हम आजाद हैं।